Nothing is impossible. So just do it. Make your dreams come true. तो गाइस अभी यहाँ पर मैं खेलने वाला हूँ जागा प्लेस का एक 2v2 टूर्नामेंट, और जो मेरा टीममेट है उसका नाम है फरहान। तो भाई देखते हैं हम दोनों मेरे कहाँ तक पहुंच पाएंगे इसके अंदर आगे भी। तो गाइस यहाँ पर आ चुका है पहले फेस का पहला, यहाँ पर आ गया लावारिस। और भाई जो अपोनेंट आया था ना उसमें से एक प्लेयर मेरे फ्रेंड लिस्ट के अंदर है, नाम देखो उसका लिखा है एनवाई पल्लवी, ग्रीन नेम है भाई, तो इसका मतलब पक्का मेरी फ्रेंड लिस्ट के अंदर ही है। तो जा रहे गिर गए भाई, गिर गए वहाँ पर वो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर सबसे आगे निकल चुका भाई, मेरा टीममेट भी गिर गया वहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर देखना मेरे साथ कुछ ना कुछ स्कैम होगा आगे जाकर, हो सकता है हो सकता है ना भी हो, तो एकदम आराम से खेलना बस मुझे यहाँ पर बिना कोई कुछ करे, चुपचाप आ जाओ उसके ऊपर। और यहाँ पर और भाई लावा बॉल मुझे लगा मेरे सामने गिरेगा अगर, लेकिन उसने जगह बदल लिया वहीं से लेफ्ट में चलेगा वो, तो एकदम आराम से आ जाओ उसके ऊपर, एकदम आराम से भाई आ जाएंगे इसके ऊपर, गिरना नहीं यहाँ पर, गिरना नहीं है। अरे गिर गया भाई यार, क्या गंदा गिरा यहाँ पर, क्या गंदा भाई स्पॉन हुआ था यहाँ पे भी। यहाँ पर आ जाओ, चलो भाई पहुँच गया इस बार, कोई बात नहीं, पहली बार गिर गया था लेकिन इस बार पहुँच गया। तो आ जाओ उसके ऊपर, खड़े हो भाई, खड़े हो खड़े हो, नोटिंग की चलती भाई इसके लगते हो एकदम, आ जाओ उसके ऊपर। और यहाँ पर भाई चलो भाई एकदम आराम से, और चलो एकदम आराम से भाई किक मार के पहला राउंड कर गया क्वालीफाई में। तो यहाँ पर चालू हो अपना पहले फेस का सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है लेजर टेसर के अंदर, और यहाँ पर देखते हैं भाई कौन क्वालीफाई कर पाता हम लोग में से। दो दो प्लेयर सबके बराबर है इस बार भाई, सामने लेके दो प्लेयर है, पिछले बार बस एक ही आया था, वो प्लेयर भी भाई मेरी फ्रेंड लिस्ट के अंदर था, तो एकदम आराम से, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर किक मारे यार, पंच मार दिया भाई, पंच मार दिया उसने, उसमें पी एच पंच और किक दोनों अलाउड है, तो मुझे भाई पहले पता नहीं थी बात, पहले मुझे लग रहा था सिर्फ किक अलाउड रहेगा, लेकिन भाई दोनों अलाउड रखते हैं लोग। और यहाँ पर यार फरहान गिर गया नीचे, फरहान चलेगा लेजर के ऊपर, मेरे को यहाँ पर मैच निकालना पड़ेगा अपना भी। और वैसे भी ना भाई मेरे को ना पहला फिश खेलने का मन नहीं करता बहुत बार, मतलब मैं खेले तो फिर भी। और यहाँ पर अरे यार कूद गया फालतू, तिरछा कूदा यार, ज़्यादा तिरछा कूद गया कुछ। और अब यहाँ पर चालू हो चुका अपना सेकंड थर्ड राउंड, वापस से लावारिस आ गया इसके अंदर, और यहाँ पर देखते हैं भाई क्या होगा अपने साथ अभी इसके अंदर। और यहाँ पर हम दोनों को राइट भी रखा एकदम, तो हम दोनों आगे निकल सकते हैं लोग के एकदम आराम से, अच्छा मौका निकाल कर आ जाओ इसके ऊपर। और यहाँ पर भाई आ जाओ एकदम आराम से आ गया, और यार मैं यार भाई यार पॉइंट भी एकदम आराम से निकाल लेंगे अपन। और फरहान रुका तो लोगों पंच मारने के लिए वहाँ पर, जो कि सही काम कर रहे थे एकदम, कि पंच मारने के लिए क्या हक दिया भाई मैंने, क्या हगा यहाँ पर यार, हट यार। एक तो भाई मेरा टीममेट इतनी मदद कर रहा है मेरे को आगे निकलने के लिए, और मैं हक दिया आगे जाकर, और पड़ा उसको वहाँ पर एक नंबर, चलो भाई अरे भाई मेरे को भी पड़ेगा ये राउंड हार जाएंगे भाई, ये राउंड हारेंगे अपन। अबे यार वो और पीछे चले गया था, मेरे को लगा भाई फरहान आगे निकल गया, वो ये और पीछे से आ रहा है यार, उसका पता नहीं शायद ना चेक पॉइंट ग्लिच वगैरह उसका, लेकिन भाई कोई बात नहीं, हम दोनों यहाँ पर वापस आगे निकल चुके हैं। और अब यहाँ पर भाई फरहान मेरे पर भरोसा नहीं करेगा, बोला मदद करने का, वो खुद गिर गया आगे जाकर। यहाँ पर आ जाओ भाई, फिरने चढ़ाई कैसे भाई, अरे ये कितना गंदा स्पॉन दिया भाई इसने यहाँ पर, कि क्या ही गंदा स्पॉन दे रहा है बार बार। और यहाँ पर आ जाएंगे इसके ऊपर, और पिछली बार तो चढ़ी नहीं पाया था, और यहाँ पर भाई फरहान निकाल लेगा मैच, लोग वो लोग को इतना अच्छा मौका मिला भाई, दो तीन बार लोग नहीं निकल पाए आगे, कितना अच्छा मौका मिला था लोगों, नहीं निकल पाए फिर भी वो लोग आ गए, और चलो जीत गए हम लोग आ रहे मैच भी। और आ चुके यहाँ पर भाई अपना लेजर टेस्ट स्टार्ट हो गया चौथे राउंड के अंदर, देखते हैं भाई इस बार क्वालिफाई कर पाते कि नहीं अपन, पिछली बार तो हार गए थे वो, मैंने ज़्यादा तिरछी जंप लगा दिया था मैंने वहाँ पर, अगर ये गिर गया, अरे कौन था भाई वो, ये काई के लिए होता भाई वहाँ पर, लेजेंड वाइट यहाँ पर खेल रहा भाई, उसका टीममेट तो भाई पहले से लांग लगा दिया, उसके टीममेट भाई मतलब टाइम पास कर रहे रहेंगे लोग शायद, क्योंकि ना पहले फेज के अंदर अगर भाई एक दो पॉइंट निकाल लो बस एकदम आराम से फिर क्वालीफाई करते तुम लोग, खेलने की जरूरत नहीं भाई पहला फेज। और ये टूर्नामेंट वाले भाई पता नहीं क्यों पहला फेज रख रहे गेम के अंदर, ये लोग को भाई हटा डालना चाहिए पहला फेज हटाएंगे तो ही सही रहेगा भाई, लोग मतलब ऑप्शन ही हटा डालना चाहिए, मतलब दो ही फेज रखो गेम के अंदर, एक फेज हटाए तो पूरा दो ही फेज रखो भाई, सीधा पहले फेज सेकंड फेज में जाओ, सेकंड फेज में वही अपना एलिमिनेशन राउंड चालू अपना पूरा, जो हारेगा बाहर जो जीता अगले राउंड में वैसा रहेगा, अच्छा रहेगा भाई पूरा। पहला फेज तो देखो भाई एक ग्रुप के अंदर है ना सिर्फ कितनी, अभी ये ग्रुप के अंदर कितनी 25-26 कुछ टीम है इसके अंदर, और 104 टीम क्वालीफाई करेगी भाई, क्या खेलने कंटा रहेगा। और यहाँ पर चलो उसने निकाल लिया, और हम खेल के मतलब ये नहीं यहाँ पर, चलो एक पॉइंट मिल गया अपने को। और अब यहाँ पर आ चुका लावारिस पाँचवें राउंड के अंदर, देखते भाई इसमें क्वालीफाई कर पाते कि नहीं अपन, और पहला फेज तो भाई क्वालीफाई कर गया अपन, खेलने की जरूरत है नहीं यहाँ पर, अगर हार के तो भी चलेगा, बस सेकंड फेज हम लोग को अच्छा खेलना पड़ेगा आगे भी। और पहला फेज है ना खेलने को जान भी आता है यार, मतलब मैच मेकिंग होती नहीं पहली बार तो बराबर, प्लेयर इतने कम रहते फेज के अंदर पूरे कि मैच मेकिंग हो नहीं पाती बराबर से। और भाई एक प्लेयर उसमें भी भाई अगर टीम में रहेगा ना तो दो प्लेयर आते भाई, दो में से एक का गेम ही बंद रहता भाई, क्या करा गलती से किक मारते शायद उसने वहाँ पर, एकदम आराम से आ जाओ उसके ऊपर, और ध्यान से खेलना पड़ेगा मेरे को भी, आ जाओ उसके ऊपर और किक मार दूँगा वहाँ पर ऊपर आकर। नेट लैग मत खाना भाई, नेट लैग मत खाना, मैं भी देखा वहाँ पर रेड रेड कुछ बन के आया था उसके ऊपर, वो जब होता भाई तब नेट लैग खाता है, अच्छी बात है नेट लैग नहीं खाया अभी। यहाँ पर भाई आगे भी मत खाना यार, आगे भी मत खाना यार प्लीज़ भाई, फालतू में नेट लैग खाएगा गेम खराब होएगा पूरा, आ जाओ उसके ऊपर। और यहाँ पर बस चलो भाई एकदम आराम से, चलो भाई कर गए इसके अंदर क्वालीफाई, और कितने भाई तीन राउंड लगातार क्वालीफाई कर अपन अभी, और आ चुका है पर छठा राउंड यहाँ पर स्टार्ट हो गया लेजर टेसर के अंदर, और यहाँ पर बस तीन ही लोग हैं हम लोग यार, देखो ये चौथा प्लेयर आ रहा है, देखो चौथा प्लेयर आ रहा है यहाँ पर लेट स्पॉन हुआ, वो उसका नाम तो लिख के आया था लेकिन भाई उसका नाम है ना रेड चमक रहा था। और यहाँ पर ऐसे रहता भाई कि सामने वाले दो में से एक प्लेयर आता ही नहीं भाई एंड तक का,
एंड तक आएगा ही नहीं वो, कितना कितना फिर है ना, मतलब एक प्लेयर आता तो अच्छा टाइमर कम हो जाता है थोड़ा, लेकिन वही 30-40 सेकंड रुकना बहुत जान पाता फिर यार, मतलब बहुत गुस्सा आता है रुकने के लिए। और यहाँ पर गिर चुका भाई फरहान ने, गिरा दिया एक जन को वहाँ पर, गिरा चुका है फरहान ने एक जन को। और ये पता नहीं भाई बिल्ला क्या करने का ट्राई कर रहा है, और यहाँ पर भाई मेरा पंच मिस हो गया उसके ऊपर अगर लगता है। अरे भाई, अबे भाई उसने किक नहीं मारा, मेरे को लगी भी नहीं, मतलब मैं बच गया, मेरे को लगी थी मैं बच गया, वहाँ पर जगह पर खड़ा हो गया वापस से, और वहाँ पर वापस उसने किक मारा है और मैंने किक मारा लेकिन नहीं लगी मेरी किक। और मेरे को लग रहा भाई फरहान निकाल देगा उसको वहाँ पर, देखो फरहान को मारने तो भाई अपन यहाँ पर टाइम पास करेंगे, अपन लेजर पहुँचा रही है वहाँ पर, फरहान प्रो प्लेयर है निकाल लेगा उन लोग को एकदम आराम से। और अरे भाई फरहान को निकाल लिया इसने भाई, मेरे को अब निकालना पड़ेगा, मेरे को अब निकालना ही पड़ेगा भाई, ध्यान से खेलना पड़ेगा अभी, नहीं तो फरहान ने एक जन को लेटाया था भाई, मेरे को इसको लेटाना ही पड़ेगा यहाँ पर। अरे नहीं लगे यार, नहीं लगी किक भाई, वो बचा क्या बचा, वो लेजर को छूते तो बचा एकदम, टाइम पर टाइम मार लेता। और यहाँ पर आ जाओ साइड में थोड़ा हल्का सा भाई, ओपन एरिया में कूद कूद के खेलेंगे, अच्छा फायदा रहेगा अपने लिए, जबरदस्ती घुसना नहीं लोगों के ऊपर एकदम आराम से भाई। और यहाँ पर अरे यार बच गया, बच गया, बच गया, कूदा नहीं रहता भाई, लगी रहती उसको। और यहाँ पर आप वाट लग सकती है मेरी भाई, मेरी वाट लग सकती है यहाँ पर एकदम आराम से, आ जाओ नीचे और आराम आराम से खेलेंगे। और भाई आ जाओ, अरे पंच मार दिया भाई, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पर साइड में खेलो। और यहाँ पर भाई अरे लग गया, अरे भाई अरे नहीं लगी भाई, किक नहीं लगी उसको मेरी, किक नहीं लगी वहाँ पर उसको मेरी, एकदम आराम से, एकदम आराम से। और अब तो भाई पंच मारना पड़ेगा उसको यहाँ पर, किक मार के मतलब, क्योंकि किक लगी नहीं रही। और यहाँ पर वापस ही नहीं लगी यार, अरे भाई मैं जंप कर रहा था यहाँ पर, मैं जंप कर रहा था भाई, किक लग गई उसको भाई, किक कैसे लगी मुझे। और चार होगा अपना सात राउंड यहाँ पर भाई, देखते हैं क्या होगा इसके अंदर भी लावारस के अंदर। और पहला फेस तो भाई पूरा घंटा एक भाई, एक घंटा पूरा टाइम खराब होता अपना पहले फेस के अंदर। और यहाँ पर भाई मेरा टीममेट आया नहीं, ये कहाँ चलेगा भाई फरहान, यहाँ पर आ जाओ उसके ऊपर और चुपचाप से भाई आ रहा, एक नंबर चलो भाई, अपन ही क्वालिफाई करेंगे यहाँ पर अभी, हम लोग ही क्वालिफाई करना भाई यहाँ पर, मैं ही क्वालिफाई करूँगा यहाँ पर अभी, तो एकदम आराम से भाई आला पॉइंट निकाल लूँगा मैं। और भाई आ जाओ उसके आगे। और कभी कभार मेरा मन करता भाई पहला फेस खेलने का, ऐसे मन नहीं करता मेरा, लेकिन टीम में पे तो भाई खेल रहा हूँ इसलिए मैं पहला फेस यहाँ पर, तो सोलो रहता ना भाई मैं पहला फेस खेलता नहीं, अगर सोलो रहता तो, मतलब सही बता रहा हूँ यार, एक घंटा देखो यहाँ पर भाई, एक बार गिरना ज़रूरी है इसका यहाँ पर, जितनी बार भाई लावारस आया उतनी बार यहाँ पर आके गिरा हूँ मैं, एकदम आराम से देखना चढ़ जाएगा शायद इस बार, देखो एक बार गिर कितना आराम चला इस बार, एक बार गिरने के बाद आ जाओ उसके ऊपर। और यहाँ पर भाई चलो भाई डाइव मार गया जो उसके ऊपर, अरे भाई चढ़ जाए यार, क्या गंदा गिरा यहाँ पर भाई पहले, अरे भाई ये क्या हुआ इधर, अबे हवा में कैसे उड़ गया, नेट ले खा गया मेरा वहाँ पर, ये हवा में जंप लगा दिया इसने एक और बार वहाँ पर, नेट ले खाने की वजह से इस जगह पे सीधा खड़ा हो गया था, और वहीं पोड़ते हुए गया लेजर के ऊपर, ये लावे में घुस गया जाकर, देखो वहाँ से आ रहा है प्लेयर आने, तो भाई किक मार के अपन करके क्वालिफाई के अंदर। और अब यहाँ पर आ चुका है लेजर टेसर आठवें राउंड के अंदर, इसमें देखता भाई क्वालिफाई कर पाते कि नहीं अपन, पिछली बार तो भाई मैं हक दिया था वहाँ पर। और अभी वन मिनट चालू इसके अंदर, वन वन चालू यहाँ पर भाई, उसका भी एक प्लेयर नहीं आया, मेरा भी एक प्लेयर नहीं आया, उसके उसका आ गया यार, अरे अपना भाई अपने ही क्या करा इसने, अबे फरहान आके कूद गया पीछे, मुझे लगा भाई उसका टीममेट है लेकिन मेरा टीममेट था, वो वहाँ पर लेट स्पॉन और कूद भी गया भाई, पता नहीं कहाँ से उसके कूद गया पीछे वो। और यहाँ पर भाई देखते हैं वन वन में निकाल पाता होगी नहीं अभी, और निकाल लेना चाहिए भाई, पिछली बार हार गया, एक और बार नहीं हारना मेरे को अभी इससे, एक और बार नहीं हारना मुझे, पिछली बार हार गया था लेकिन इस बार नहीं हारूंगा मैं यहाँ पर। आ जा था किक मारा भाई, क्या सो की किक मारा उसने, उसकी हज़ार की पिंग आ रही है वहाँ पर, इतना लेट किक मार रहा है वो। और यार पंच नहीं लगा भाई, पंच नहीं लगा उसका मुझे, अच्छी बात ही नहीं लगा। और यहाँ पर दूर रहकर खेलेंगे थोड़ा। और ये भाई अभा भाई वो आप ही से चले गया यार, मैं क्या गंदा कूदा वहाँ पर। और अब यहाँ पर आ चुका है लावारस, तो भाई देखते हैं इसमें क्वालिफाई कर पाते कि नहीं अपन। और लावारस में तो भाई क्वालिफाई कर ले रहे हम लोग, बस मैं लेजर टेस्ट में हक दे रहा हूँ। और यहाँ पर वही प्लेयर आ गया वापस से यार, इस बार इसको हराऊंगा, इस बार इसको हराऊंगा, पिछली बार भाई तो गलती से जीत गया था वो मैप के अंदर, इस बार देखो क्या हका उसने, कूद नहीं पाया वहाँ पर बराबर। और इस बार भाई लावारस ने अपना साथ दे चुका है अच्छे से, यहाँ पर हम लोग को फायदा उठाना इस बात का, भागते हुए निकलो आगे, चुपचाप से मारा जाए उसके ऊपर। और गिरना मत, एक नंबर का टाइम पे खड़ा हुआ ये, ऐसे अगर हर बार खड़े हो जाना टाइम पे क्या बात रहेगी, लेकिन है ना कभी कभी बहुत नाटक करता है ये, मतलब देखना फेज थ्री में ऐसा होएगा कुछ ना कुछ, तो मतलब फेज टू के अंदर फेज थ्री बोल रहा हूँ भाई, फेज थ्री में चले जाओ तो बड़ी बात है इसके अंदर भी, फेज टू पहले थे, अरे ये चढ़ गया भाई, चढ़ गया इस बार, नाटक नहीं कर रहा सर अभी, मतलब हर बार तो गिर ही रहा था एक ना एक बार, इस बार चढ़ गया बराबर। और आ जाओ इसके ऊपर एकदम आराम से, आ जाओ इसके ऊपर, और यहाँ पर किक मार के निकला गया। और यहाँ पर चलो भाई कर गया राउंड के अंदर क्वालिफाई एकदम आराम से खेलकर। और आ चुका है यहाँ पर भाई लेजर टेसर आ गया है अपने लास्ट राउंड के अंदर, और यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इसके अंदर। और फरहान तो आ ही नहीं रहा यार, उसने मतलब छोड़ ही दिया, उसको भी कंटा लगा शायद पहले फेस खेलने में, इसलिए आ ही नहीं रहा वो। और सीधी बात है भाई, किसी को कंटा नहीं आएगा पहले फेस खेलने में, एक तो भाई 104 टीम यहाँ पर क्वालिफाई करेगी, ठीक है 104 टीम क्वालिफाई करती 2v2 मैच के अंदर। और ना वहाँ पर मतलब कितनी 26 टीम रहेगी पूरे ग्रुप में भाई, क्या फ़ायदा 26 टीम रखे यार, और मैच मेकिंग होती नहीं बराबर, इन लोग की पता नहीं कैसी मैच मेकिंग बना के रखे लोग ने, मतलब दो टीमें ना खाली बैठी रहेगी और लोग किसी और का इंतजार करते रहेंगे बैठ के, और लोग के आपस में मैच मेकिंग क्यों नहीं कराता पता नहीं, वो ऐसे रखते हैं कि जीतने वाली की मैच मेकिंग और हारने वाली की मैच मेकिंग अलग होगी, मतलब कोई अगर पिछला राउंड जीता रहेगा तो दो डुओ ऐसे रहेंगे जो लोग पिछला राउंड जीते तो लोग की मैच मेकिंग होगी अलग,
और जो लोग हारे देंगे लोग मैच मेकिंग अलग होगी, ऐसे बनाते हैं लोग। और यहाँ पर भाई आ जाता था, अरे भाई गलत जगह किक मार दिया मैंने, अरे 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 भाई क्या गलत क्या गंदा कूदा है इसमें। तो भाई यहाँ पर पहला फेज खत्म हो चुका और हम लोग यहाँ पर भाई पांचवें नंबर पर आए थे 6 पॉइंट के साथ। और पूरे ग्रुप में ना भाई पूरे ग्रुप में मतलब पूरे ये हम लोग के ग्रुप के अंदर सिर्फ 18 टीम थी और 104 टीम यहाँ पर क्वालिफाई करने ली थी। पता नहीं कैसे लोग क्या बना के रख रहे हैं, लोग एक फेज खुद ब खुद हटा देना चाहिए लोग, पता नहीं क्यों अभी रखे हुए इसके अंदर। लेकिन कोई बात नहीं, देखते हम लोग सेकंड फेज में क्या अपने साथ आगे भी। और आ चुका पहले सेकंड फेज का पहले यहाँ पर आ गया आईसी हाइट्स के अंदर। और जो भाई हम लोग अपोनेंट टीम में उसके अंदर भाई एक्सप्लेट भी एक जिसको आप जानते भाई ये भी टूर्नामेंट बना था अपना, उसके नाम क्या है सीपी लिखा हुआ है, सीपी मतलब कंटेंट प्रोड्यूसर। और यहाँ पर गिर चुका भाई, हक गया उसने पीछे गिर चुका, लेकिन उसका टीममेट निकल के आगे। और हमारा भाई फरहान भाई पता नहीं कहाँ चले गया, वो लगता है अगले राउंड में आ जाएगा। वो पिछले भाई पिछले फेज के आखिरी 3-4 राउंड खेला नहीं उसने, और यहाँ पर देखो निकल चुका है वो एकदम आराम से भाई, पहला राउंड हार गया अपन। और सेकंड फेज चालू होने में भाई यह सब होता है सेकंड फेज के अंदर, हम लोग हारते बहुत गंदा हारते भाई सेकंड फेज के अंदर में। और आ चुका भाई सेकंड फेज का दूसरा राउंड यहाँ पर आ गया है। और भाई कौन है, 1v1 हो रहा है इसके अंदर अभी, इसके अंदर शायद 1v1 होएगा अभी, यहाँ पर खेलना पड़ेगा एकदम अच्छे से। आ जाओ उसके ऊपर एकदम आराम से भाई, पहले सबसे आगे भाग दो चुपचाप। और यहाँ पर है ना मैं एकदम अलग ट्रिक सीखा हूँ मैंने, मतलब देखा करते हुए लोगों को, क्यों लोग ना पीछे कूद के आके किक मार के आ गए थे तो ज़्यादा फायदा मिलता है उन लोगों को, इसको आने दो इस तरफ। और यहाँ पर कूद के किक मार देंगे और यहाँ पर ही गिरता भाई, अरे क्या बच गया यार, ये तो बच गया यार, अभी हाई लिख रहे तो अभी मतलब सही खेलने वाला प्लेयर यहाँ पर, मैं फालतू किक मारा था इसको। तो यहाँ पर खेलेंगे भाई बिना किक मारे खेलेंगे इसको, इतना भाई इतना अच्छा भाई, पहले उसमें गिर गया था मेरे को इतना अफसोस भी नहीं होता, मेरे को पता भी नहीं था कि पंच मारेगा नहीं मारेगा, लेकिन अब मेरे को भाई पंच मारने का मन नहीं कर रहा इसको। और अब यहाँ पर मुझे लंबा राउंड खेलना पड़ेगा यार, और अगर मैं हारा तो भाई फिर मेरे को खुद को गुस्सा आएगा कि भाई पंच मार दे रहता अच्छा रहता उसको, इतना अच्छा मौका भाई, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा उसको पंच किया था किक मारने का, पता नहीं कहीं के लिए, लेकिन भाई मेरा मन नहीं कर रहा। और पता नहीं भाई मेरा टीममेट कहाँ चलेगा यार, वो पहला राउंड भी नहीं खेला, सेकंड राउंड के अंदर भी नहीं आया, वो कहाँ चलेगा पता नहीं। यहाँ पर आ जाओ उसके ऊपर, आ जाओ डाइव मार के आगे, और यहाँ पर भाई पहुँच जाओ उसके ऊपर। और मेरे को अभी भी डर लग रहा है कहीं ये मेरे को पंच ना मार दे आके अचानक में एकदम, देखो लेकिन हाई लिख के भेज रहा था पक्का, इतना पंच नहीं मारेगा उसका, इतना अच्छा मौका था पंच मारने का लेकिन नहीं करा उसने कुछ भी। यहाँ पर सीधे बात है वो कुछ करने वाला है भी नहीं यहाँ पर अभी, देखो एक और मौका था फिर भी कुछ नहीं करा, तो एकदम आराम से खेलेंगे, देखते हैं एंड तक का कौन सर्वाइव कर पाता है एंड तक। और गाड़ी की स्पीड भी फास्ट होने वाली है, और लोगों को टूर्नामेंट के अंदर ऐसा रखना चाहिए कि गाड़ी की स्पीड पहले से फास्ट रहेगी, मतलब शुरुआत से ऐसा नहीं कि पहले स्लो चलेगी फिर फास्ट होगी, क्योंकि टूर्नामेंट में भाई पहले से एकदम इतने कम प्लेयर आने के, दो ही प्लेयर देखो यहाँ पर, दो ही प्लेयर हम लोग बस, और दो भाई कितना अगर 7-8, और यहाँ पर कौन है भाई, ये कोई आया था क्या, देखो यहाँ पर लिख कर अब 2 जन 3 जन हो गए गेम के अंदर, तो ऐसे दिखा रहे कि दो लोग यहाँ पर एलिमिनेट होंगे तो एक जन जीतेगा, कोई समझो भाई किसी ने मतलब कोई आया था लेट स्पॉन आया था मतलब कोई प्लेयर, और वो गिर भी आते साथ जिसकी वजह से एलिमिनेट हो गया। और यहाँ पर भाई आप खेलना पड़ेगा अपने को अच्छे से, और देखो जैसे बॉक्स वाला आने लग गया ना भाई, मतलब अब रुक के खेलना पड़ेगा अपने को। यहाँ पर अब गेम हो चुका इंटेंस, देखते हैं भाई, और ये गिर गया भाई, गिर गया का गंदा कूदा वहाँ से, वो भाई पहुँच नहीं पाया उसकी गाड़ी के ऊपर। और यहाँ पर आ चुका आईसी हाइट्स अपने 3rd राउंड के अंदर, और यहाँ पर भाई मेरा टीममेट आ चुका है राउंड के अंदर, और पिछले राउंड में शायद मेरा टीममेट आया था आखिर में, वो जो गिर गया साथ साथ मतलब एलिमिनेट हो गया था लेट स्पॉन हुआ था जो, तो मतलब मेरा टीममेट होगा वो। और यहाँ पर भाई निकल आगे और निकल गया भाई, चलो निकल गया वो एकदम आराम से भाई, ये राउंड क्वालिफाई करेंगे अपन, आ जाओ उसके ऊपर से आगे। और यहाँ पर भाई जल्दी खड़े हो जाएगा यार, ये फिसलता खड़े नहीं होता जल्दी, एकदम आराम से निकलना इसी करते हुए। और यहाँ पर भाई अपन यहाँ पर भाई क्वालिफाई कर जाएंगे राउंड के अंदर, और हम लोगों ने इसी करके भाई हम लोग को कम से कम 6-7 पॉइंट तो निकालने इसके अंदर भी। और आ चुका यहाँ पर अपना रश आवर आ गया है इसके अंदर, देखते भाई इसमें बराबर भाई 4 प्लेयर है इसके अंदर बराबर, और हम लोग को लेफ्ट में रखा है इसने, कोई बात नहीं, दो लोग वहाँ पर राइट में है, दोनों को मार के गिराना अपने को, एकदम आराम से आ जाओ इसके ऊपर, और आराम आराम से भागते हुए खेलेंगे इसी टाइम। यहाँ पर कोई तो आ रहा है भाई, कोई तो आ रहा है सिर्फ घूम के, आने तो भाई आने तो मार के गिराएंगे उसको, कोई आ नहीं रहा है। और वहाँ पर गिरा भी गिरा दिया उसने, गिरा दिया उसको, और अकेला प्लेयर बचा वैसे इस तरफ, फरहान ने मार के गिरा चुका है उसको। और ये तो भाई ट्रिक लगाएगा अपनी, मेरे को पता था यार ये भाई नहीं लगी किक नहीं लगी उसको, मेरे को पता था ये काम करने वाला है वो, मतलब ट्रैम्पोलिन पे कूद के आएगा गिराने के लिए। तो यहाँ पर भाई अपने को ध्यान देना है उसके ऊपर, चलो भाग के चलेगा उस तरफ, और देखो आप इसे ट्रैम्पोलिन यूज, अरे उल्टा चले गया वो, दूर भाग गया। और यहाँ पर देखना इसी तरफ आएगा ये, मेरे को पता था, अरे अरे भाई 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 मेरे को पंच भी लग गया भाई इतना दूर से, मेरे को लगा नहीं लगेगा लेकिन लग गया उसका पंच, इतना पीछे खड़ा था वो, मुझे लगा मेरे को सही में लगा भाई नहीं लगेगा उसका पंच मेरे को। और यहाँ पर यार फिर बच गया वो, चुपचाप आ जाओ उसके ऊपर एकदम आराम से निकलो आगे, और आ जाओ उसके आगे, बस यहाँ पर भाई एक मौका मिल जाए बस। अरे भाई उसने मार के गिरा दिया उसको, फरहान वहाँ पर गिर चुका है, ये ट्रैम्पोलिन एंट्री की लोग यूज़ करके मारते यार सही एकदम, ये कि ट्रैम्पोलिन पर कूद के आके मारते हैं वो लोग। यहाँ पर मतलब अगर मैं दूर खड़े रहूँगा तो मेरे को फायदा रहेगा, नज़दीक रहूँगा तो मुझे नुकसान रहेगा उससे। तो यहाँ पर आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ कूद के आ जाओ इस तरफ, और ट्रैम्पोलिन यहाँ पर आ रहा है, और देखना वो आएगा कूद के आएगा ट्रैम्पोलिन के ऊपर से, देखो आएगा कूद के आएगा मेरे को पंच मारने के लिए। और यहाँ पर किक, अरे लगी नहीं भाई कैसे, अबे मैं जब कूदता हूँ तो मेरे उन लोग की किक मेरे को लग जाती है यार, पता नहीं कैसे उन लोग कूदते भाई मेरी किक लगती है उन लोगों को, मतलब मैं पिछले फेज के अंदर यार क्या गंदा गिरा था उसके अंदर, मैं जंप लगा लिया उसके अंदर मैं किक मारा भाई उसकी किक लग गई मेरे को, अब सेम वही हुआ तो मेरी किक उसको नहीं लगी कैसे पता नहीं। यहाँ पर आ जाओ आगे,
और अभी भाई एकदम ध्यान से अपने को खेलना, भी एकदम ध्यान से खेलना इसी। आ जाओ इसके ऊपर और अब देखते पीछे किस तरफ है वो कौन। अबे चमके से कर लिया इसने यार, शिट यार मैं स्क्रीन घुमा रहा था, चमके ऊपर हाथ दब गया यार। और अब यहाँ पर आ चुका है सेट भाई, पिछला राउंड पूरा जीतना लगा था मेरा। एक तो भाई मैंने किक मारा, किक नहीं लगी उसको, बच गया वो। और दूसरी बार भाई मैंने पता नहीं कैसे चमका बटन दबा दिया यार वहाँ पे। और यहाँ पर आ चुका एक नंबर, चलो निकल गया एक प्लेट आगे। और उन लोग का भाई हर बार का हो चुका, लोगों एक प्लेयर आता, एक प्लेयर आता ही नहीं उसके अंदर, तो फालतू रुकना पड़ता भाई फालतू। यहाँ पर 40-50 सेकंड रुकना पड़ता उसके लिए कि आएगा तो मैच चालू होगा, अपोनेंट सब प्लेयर आ जाएंगे तो गेम चालू होगा उसके बाद। और यहाँ पर भाई उड़ गया मैं और निकल आ रहा भाई, वो भी गिर गया वहाँ पर, मेरा टीममेट भी गिर चुका, फरहान भी वहाँ पर गिर गया आगे। और यहाँ पर भाई किक मारनी पड़ेगी मेरे को, किक मारनी ही पड़ेगी यहाँ पर मेरे को। और चलो किक लग गई उसको एक नंबर, यहाँ पर मैं टाइम पे किक मारा एकदम। और भाई फरहान ने भी उसको किक मार दिया शायद वहाँ पे, उसने भी किक मारा उसको। चलो मैं यहाँ पर निकाल दिया भाई एक बॉन्ड ने। तो भाई जहाँ पर छठे राउंड के अंदर कोई प्लेयर आया नहीं, इसके भी आ गए। और हम लोग यहाँ पर भाई पिछले 4-5 मिनट से रुके हुए एक प्लेयर के आने के लिए, मतलब सामने अगर एक भी आ गया तो मैच फटाक चालू हो गया रहा तब तक का, लेकिन कोई भी नहीं आया। तो यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट फ्री में मिल चुका, लेकिन देखते हैं अब आगे के 4 राउंड में अपने साथ करेगा आगे भी। और आप यहाँ पर आ चुका आईसी हाइट्स आ गया है अपने 7वें राउंड के अंदर। पिछले राउंड तो हम आराम से एक पॉइंट फ्री में मिल गया अपने को, बस ये राउंड भी अपने को अच्छे से निकालना है। और मेरे को देखना पड़ेगा भाई कितने पॉइंट्स हैं अपने भी, 4 पॉइंट तो होंगे अपने, 4 पॉइंट तो होंगे। तीन राउंड भी नहीं हारे अभी तक, 5 अभी, हाँ 4 पॉइंट है अपने, सिर्फ 2 राउंड हारे हम लोग अभी 6 राउंड खेलकर, और 4 राउंड जीते अपन यहाँ पर। अबे यार पिछला नहीं, यार पिछला नहीं, मैं पिछला होता फिर भी कुछ फायदा नहीं रहता क्योंकि मेरे आगे निकल गया था पहले। और हम लोग 11 राउंड हार चुके अपना, और अपने अभी भी 4 ही पॉइंट है, हम लोग 3 राउंड हार गए अभी। और शुरू हो चुका अपना 8वां राउंड भाई, इसको इसमें क्वालीफाई। अरे वो अबे हम लोग दोनों ही है, अरे अरे गिर गए भाई दोनों, वो दोनों प्लेयर स्पॉन होते गिर गए आगे, वो दोनों के दोनों स्पॉन होते आगे गिर गए यार। क्या क्या मस्त गिरे भाई दोनों के दोनों, यहाँ पर खेल के मतलब है भी नहीं राउंड को अभी, क्या गंदा गिरे भाई, कितना गंदा स्पॉन हुए दोनों के दोनों प्लेयर एक साथ ही गिर गए भाई गेम चालू होते ही, क्या गंदा गिरे यार। और अब यहाँ पर चालू हो चुका अपना 9वां राउंड भाई, बस आखिरी के 2 राउंड क्वालीफाई हो जाएंगे ना अपन, आराम से थर्ड फेज के लिए आएंगे। 2 क्या 1 भी अगर हो जाएंगे तो आराम से हो जाएंगे थर्ड फेज के लिए क्वालीफाई। और इतना गंदा स्पॉन दिया मेरे को उसने, लेकिन मेरा टीममेट निकल जाएगा आगे। फरहान के ऊपर पूरी उम्मीद का है भाई, उसको निकालना पड़ेगा आगे जाकर, उसको निकालना ही होगा भाई ये राउंड, अगर वो नहीं निकल पाया तो यहाँ पर मेरे को निकालना पड़ेगा आगे। और अरे भाई किक नहीं मारा मैंने फालतू भाई, मेरे को उसकी किक मारने के बाद याद आया कि किक मार सकते हैं, लेकिन अपना फरहान भाई निकल चुका है आगे। और फरहान यहाँ पर मैच निकाल लेगा एकदम आराम से, एकदम इजी राउंड हम लोग यहाँ पर। अब किक क्यों मारा मैंने भाई, अब कहीं के लिए किक मारा मैंने। और चलो हम लोग कर गए क्वालीफाई भाई, मेरा टीम निकला था आगे देखना, और ये फरहान यहाँ पर क्वालीफाई कर गया मेरे को पता था भाई। और अब यहाँ पर आ चुका अपना रश आवर आ गया है 10वें राउंड के अंदर, बस इसको क्वालीफाई करना अच्छे से अपने को। और यहाँ पर मैंने नेट लिखा था, इसने इतना लेट चालू हुआ गेम अपना, तो एकदम आराम से भाई आ जाओ उसके आगे। और अच्छी बात है भाई मेरा गेम मेरे को इतना आगे नहीं रखा उसने, मेरे को पीछे रखा था पिछले बार जब आया था भाई रशावर का मैप। यहाँ पर आजा भाई आजा कूद के आजा। और ये भाई इसको पता है, इसको पता है क्या करना है, किक। अरे अरे क्या गंदा भाई, क्या गंदा इसने करा ये, मैं किक मार के आ गया झटके में, रुक ही गया यार बीच में, ये तो एकदम अच्छे से स्पीड में आगे घुसता था, ये आधे में होकर रुक गया पता नहीं कैसे। यहाँ पर ये राउंड तो भाई अपने 6 पॉइंट है, लेकिन अभी भी ये राउंड अपने को क्वालीफाई करना, अभी भी मतलब 6 पॉइंट का तो क्वालीफाई कर देंगे थर्ड फेज के लिए, लेकिन 7 रहेंगे तो और अच्छा रहेगा और ऊपर रहेंगे अपन, तो इसीलिए भाई फरहान यहाँ पर आ चुका है। दो लोग वहीं पर है, देखो ये उड़ी मार के आएगा गिराने के लिए। अरे वो तो वहीं वहीं खेल रहा भाई, अपने में खेल रहा हो उसको, हाँ यहाँ पर आ जा भाई आ जा दादा, किक मारा भाई, अरे यार मेरी किक लगी नहीं उसको, आ जाओ आगे चुपचाप से भाई चुपचाप से एकदम। उसका एक प्लेयर देखो कोने में खड़ा है वो चुपचाप, मतलब वो खड़ा है वहाँ पर ही लड़ाई कर रहा है यहाँ पे। और ये फरहान, अरे एक नंबर गिर गया भाई किक मारने के चक्कर में गिर गया वो, मुझे पहले लगा फरहान गिरा लेकिन भाई वो ही गिर गया, सामने वाला प्लेयर गिरा था। यहाँ पर आ जाओ आगे और एकदम आराम से भाई आ जाओ इसके ऊपर। और अब यहाँ पर वो आखिरी प्लेयर बचा हुआ भाई, भाई मेरे को बहुत चर्की मछली, मेरा भाई चूल मछली मेरे को उसको जाकर मार के गिराने की, लेकिन मैं नहीं जा रहा वहाँ पर, मुझे पता है भाई अगर मैं कुछ करने का उसको ना भाई मेरा ही गेम खराब हो जाएगा बाद में, तो इसलिए भाई चुपचाप यहाँ पर शांति में खेलो अपना। और जो वो कर रहा भाई करने दो उसको, अपन यहाँ पर भाई चुपचाप खेलेंगे अपन अपना। और उसको पड़ा भाई, उसको पड़ा वहाँ पर, और एक गिर गया भाई एक नंबर गिर गया वहाँ पर गिर गया। और हम लोग 11 राउंड भी आराम से भाई, चलो 7 पॉइंट निकाल लेंगे इसके अंदर भी साथ में। और अब यहाँ पर आ चुके अपने 8वें मतलब सेकंड फेज की रैंकिंग आ गई, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर 7 पॉइंट निकाले, तो हम लोग यहाँ पर 8वें नंबर पर रखा है इसने। और सिर्फ ना 16 टीम यहाँ पर क्वालीफाई करना ली थी, और यहाँ पर भाई एक्सप्लेट की टीम ने मतलब सबके राउंड क्वालीफाई करी, मतलब 10 के 10 राउंड उन्होंने क्वालीफाई करे तो पहले नंबर पर वो लोग। और अब यहाँ पर देखते भाई थर्ड फेज में छत का आगे भी। और अब यहाँ पर चालू होगा थर्ड फेज का पहला यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, और भाई सामने लगा टीम का बस एक ही प्लेयर है यहाँ पर, एक तो अपना ये अपना फरहान है और यहाँ पर मैं हूँ, और ये तो उसका एक ही प्लेयर है सामने लेकर, तो एकदम आराम से देखते भाई हम लोग क्वालीफाई कर पाते हैं, कर तो जाएंगे भाई कर तो आएंगे। मेरे को ना भाई मतलब फरहान को मार देना चाहिए ज़्यादा, ऐसे कोई ऐसा एंट्रेंस मूवमेंट आएगा ना कि मतलब दीवार के तोड़ के निकलने का, भाई मैं निकल जाऊँगा चुपचाप और फरहान को उसको मारने दूंगा वहाँ पर, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा भाई फरहान मार के गिरा देगा उसको। यहाँ पर भाई मेरा भी पंच लग गया था उसको, हम दोनों का पंच एक दूसरे को लग चुका था, लेकिन यहाँ पर भाई आ जा किक मार दे, किक भी लग गई भाई, किक भी लग गई उसको एकदम टाइम पर। यहाँ पर आ जाओ आगे, और यहाँ पर है ना स्टार्टिंग में भाई बहुत बोर होएगा स्टार्टिंग में, यहाँ पर जब ना एकदम आराम आराम से ढीले ढीले ब्लॉक आएंगे एकदम आराम आराम से, तो बहुत बोर होता है वो टाइम पे, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद ना पूरा मैच अपना नॉर्मल हो जाता है, फिर
जब तीन माले के ब्लॉक आते हैं वो सब लोग आने लगते हैं भाई, फिर मैच नॉर्मल होता है एकदम। और यहाँ पर भाई एकदम आराम से भाई, एकदम आराम से पंच नहीं मारा अच्छा उसने मेरे को। यहाँ पर वापस से भाई अगर वो मेरे को पंच मारा था भाई मैं थोड़ा दूर गिरता वहाँ पर, लेकिन उसने पंच नहीं मारा। और यहाँ पर भाई टकराना नहीं, यहाँ पर क्या गंदा हक देखते बचा यहाँ पर मैं, क्या ही गंदा हक देखते बचा मैं, मेरे को निकलना था वहाँ पर भाई, बहुत ही गंदा गिरते हुए बचा यहाँ पर मैं, हटो चुपचाप। और यहाँ पर भाई एकदम आराम से फरान यहाँ पर गिरा नहीं, अच्छी बात। और यहाँ पर अच्छा अच्छा तीन लोग ना, मुझे लगा चार लोग आ गए, तीन ही लोग यार वहाँ पर लिखा बात कि दो एलिमेंट होगा तो एक जन क्वालीफाई करेगा, तो मुझे लग मैसेज लगा मुझे कि सामने वाला प्लेयर कब आ गया एक और, लेकिन चलो तीन ही प्लेयर यहाँ पर अभी भी, मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था वहाँ पर अर्जस के ऊपर। और यहाँ पर भाई प्लीज़ भाई मेरे को ब्लॉक पर चिपका मत डालना फालतू में भाई, बहुत बार क्योंकि मैं ऐसे ही कर रहा हूँ यहाँ पर ब्लॉक पर चिपकने की वजह से गिर गया। और ये थर्ड पेज है भाई, थर्ड पेज में ऐसे मत करना मेरे साथ, आ जा भाई आ जा ऊपर, आ जा ऊपर आ जा। और यहाँ पर पंच लगा ही नहीं भाई, लगा ही नहीं पंच, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, उसको गिराना तो है भाई, गिरना तो है उसको, कुछ भी करके गिराना पड़ेगा उसको, कुछ भी करके गिराना है उसको भाई, क्वालिफाई करने का अपने को ये राउंड। और यहाँ पर चलो लात मार दिया उसने, अब भाई ब्लॉक जल्दी भेज यार, आप इतना लेट भेज रहे ब्लॉक, चलो किक मार दिया उसने, नहीं लगी, अबे यार मैं बहुत गंदा हकते हुए बचा यहाँ पर, एकदम आराम से आ जाओ उसके ऊपर बस है ना भाई, पड़ जाना चाहिए उसको, एक भयंकर वाला गिरना चाहिए लेजर के ऊपर सीधा हो, या बाहर ही गिर जाएगा तो अच्छा रहेगा। और ये राउंड तो भाई बहुत ही लंबा चला यार ये राउंड, ये ब्लॉक टेस्ट में ना मतलब खेलने बहुत कंटाली भी आता है, इसको मज़ा भी आता है कंटाली भी आता है इसको खेलने में, क्योंकि ना मतलब हंसे आता लंबा चलने लगता है ये। और यहाँ पर भाई गिर गया वो, अरे आ गया यार ऊपर आ गया, और अब यहाँ पर आ गया है और इसने उसको गिरा चुका है वहाँ पर, और अब भाई आ जाए उसके ऊपर कूद के, और यहाँ पर भाई फरहान के ऊपर भरोसा भाई, निकाल लेगा उसको गिरा देगा, और गिर गया भाई, और फरहान ऊपर आ गया भाई एक नंबर, चलो भाई फरहान ऊपर आ गया तो उसको गिरा के एक नंबर चलो। और अब यहाँ पर अपना सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है भाई, तो हम लोग पहले यहाँ पर क्वालिफाई कर गए थे थर्ड फेज का, और इसको भी भाई क्वालिफाई करना अपने को, मतलब हम लोगों ना भाई कम से कम चार पाँच राउंड तो क्वालिफाई करने पड़ेंगे अभी, ताकि हम लोग अच्छे खासे जेम्स मिले, या तो अगर भाई फाइनल तक पहुँच गए तो और अच्छी बात रहेगी, क्योंकि भाई मेरे जो टीममेट है बहुत प्रो है वो तो खेल लेगा भाई, अच्छा खेल रहा है वो भी, पहला फेज भी अच्छा खेला उसने, उससे पहले भी अच्छा खेल रहा था पहला फेज में, मतलब पहला राउंड एकदम आराम से खेलना, एकदम आराम से खेलना अपने को, दोनों प्लेयर भाई प्रो आए हैं इस बार, दोनों मिलकर मार रहे थे मेरे को, मतलब एक शॉट दोनों ने मिलकर मतलब मारे, लोगों ने एक ने किक मार दिया, एक ने पंच मारा था वो भी एक साथ। तो यहाँ पर अपने को ध्यान से खेलना भी अब, क्योंकि दोनों घेर के ना मारे बस, आ जाओ उसके ऊपर, और ये पंच मारते हो हवा में, पंच मार रहे, किक मार दूंगा इन लोगों को, अबे यार पंच लग गया, किक मारना था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एकदम आराम से भाई एकदम आराम से, वो खड़ा देखो एकदम आराम से कोने में भाई, मेरे को सही में बता रहा हूँ ये मैप खेलने में कंटा रहता है कभी कभी, और अभी मेरे को बहुत बोर हो रहा है मैप को खेलने में, क्योंकि ना इसके अंदर भाई बहुत रुकना पड़ता है कि कब एकदम गेम अपना इंटेंस होगा। अरे भाई मैं डायरेक्ट ऊपर आ गया, डबल जंप मार के डायरेक्ट के लिए ऊपर आ गया मैं, आ जाओ उसके आगे, और एकदम आराम से भाई खेलना ही पड़ेगा एकदम आराम से, क्या ही कर सकते हैं अपन, स्टार्टिंग में देखो इतने भाई इतने ढिले ब्लॉक आ रहे ना, वाट लगी मेरी, वाट लगी, बच गया, आ जाओ आगे। और यहाँ पर आ चुका है तीन माले का ब्लॉक, इसको पंच मार दूंगा नहीं तो उसके ऊपर, अरे लगा ही नहीं भाई, लगा ही नहीं, चलो निकल गया, अच्छी बात है निकल गया, इसने मेरे को पिछलाया नहीं यहाँ पर, नहीं तो भाई बहुत बार होता है ब्लॉक डैश के अंदर कि मतलब मेरे को ना भाई एक ना एक बार तो भाई पिछला के गिराता है ज़रूरी है, और टूर्नामेंट में ना भाई मेरे को लग रहा है होने वाला मेरे साथ, क्योंकि ना टूर्नामेंट में मेरे साथ ऐसा एक ना एक बार होता ही है कि मेरे को मतलब पिछला के गिरा देगा। और यहाँ पर हट भाई यार, पंच मार दिया भाई इसने, और अब यहाँ पर भाई पीछे आने का रास्ता बाकी नहीं, यहाँ पर किक मार दिया मैंने उसको, और यहाँ पर कूद भाई कूद ना यार, वो प्लेयर मेरे बाद में कूदा, उसका प्लेयर कूद गया वहाँ पे, और मैं जब कूदा भाई मेरा प्लेयर कूदे नहीं वहाँ पर, क्या बात है यार ये। यहाँ पर वन इवेंट चालू हो चुका भाई फरहान के साथ, फरहान भाई निकाल लो भाई, फरहान भाई निकाल लो, ये मैच निकाल लो भाई फरहान, और ये नहीं लगा भाई पंच नहीं लगा, और वहाँ पर गिर चुका है वो यहाँ पर गिर चुका, गिर गया भाई पूरा भाई, कैसे गिरा ये, कितना गंदा गिरा भाई वो प्लेयर। और अब यहाँ पर चालू हो चुका अपना थर्ड राउंड भाई, देखते इसके अंदर क्वालिफाई कर पाते कि नहीं अपन, और थर्ड राउंड में अगर क्वालिफाई कर गए ना तो हम लोग को यहाँ पर 1000 जेम्स मिल जाएंगे भाई, अगर मतलब 1000 जेम्स अपने पक्के हो जाएंगे, अभी तो अपने 500 जेम्स पक्के हैं, ये राउंड अगर क्वालिफाई करेगा तो अपने 1000 जेम्स यहाँ पर, 1000 नहीं है मतलब दो राउंड, हाँ एक राउंड क्वालिफाई करना पड़ेगा बस, 1000 जेम्स अपने पक्के हो जाएंगे फिर, क्योंकि इसके बाद हम लोग ना पता नहीं कितने रुक जाओ पहले गेम पे ध्यान दो चुपचाप, एकदम आराम से खेलना अपने को, आराम आराम से खेलेंगे भाई तभी अपन आगे जा पाएंगे। और आ जाओ उसके आगे, कहाँ आ रहे भाई, कोई आ रहा है कि नहीं, अरे उधर अच्छा उधर लड़ाई हो रही, दोनों मिलके भाई एक ही को मार रहे हैं वहाँ पर, दोनों मिलके मेरे टीममेट को मार रहे हैं वहाँ पर, फील्डिंग लगा दी लोगों ने दोनों ने मिलके, तो यहाँ पर भाई कोई भी नहीं गिरा अब तक का, अच्छा भाई मेरा टीममेट नहीं गिरा वहाँ पर, अच्छे से खेल रहे थे वो, डिफॉल्ट स्किन पहन कर खेल रहे हो, डिफॉल्ट स्किन इनविजिबल मैन की स्किन है शायद वो, इनविजिबल गाय की, कोई बात नहीं अपने यहाँ पर खेलेंगे चुपचाप अपना अपना गेम खेलेंगे दम आराम से। और यहाँ पर भाई ट्रिक मार रहे थे भाई, अरे भाई आजा अंदर, आ जा अंदर, अंदर तो आ जाएगा वो, अंदर तो आ जाएगा, इतना है वो बचा के अंदर आ जाएगा, और आ गया देखो आ चुका है अंदर। और यहाँ पर भाई उसने भाई वो मेरे को पंच मार रहा, उसका मेरा टीममेट उसको मतलब उसका टीममेट मेरे टीममेट के पीछे पड़े, पहले तो भाई अच्छी बात है कि एक ही जन पड़े उसके पीछे स्टार्टिंग में, दोनों मिल के मार रहे थे उसको, तो यहाँ पर आ जाओ उसके आगे,
और अब यहाँ पर भाई निकलना पड़ेगा अच्छे से एकदम, वो लोग तो ट्रिक मारते रहेंगे आगे। निकलो आगे और फरहान, अरे भाई दोनों जिंदा, भाई मुझे लगा फरहान ने एक जन को गिरा दिया वहाँ पर, लेकिन दोनों आगे सामने झटके में, दोनों सामने आए सब साथ में। यहाँ पर देखो आ रहा है इस तरफ और वो जाके भाई फरहान को ही मार रहे वो लोग। उन लोगों को पता है भाई अगर हराना है इन लोगों तो इसको मारो, मेरे नाम के भाई मेरे समझ करेंगे भाई, ये तो नो प्लेयर है। यहाँ पर कहाँ गए, अरे चलो आगे दोनों। और यहाँ पर एक जन, अरे यार मेरा टीममेट गिर गया, मेरा टीममेट यहाँ पर गिर चुका है, एकदम आराम से निकालना है भाई, मत मार देना भाई, तू मत मार देना, अच्छा भाई टाइम पे खड़ा हो गया मैं। और वहाँ पर आ चुका भाई, क्या बच के आए ऊपर, ये उसका टीममेट आया कि नहीं ऊपर, यहाँ पर किक मार दो भाई, और गिर गया भाई उसका टीममेट, गिरेगा यहाँ पर अभी अगर ट्रिक नहीं काम करेगी दोस्तों। अरे भाई एक ट्रिक काम करके इसकी भी, और गिर गया, चलो गिर गया वहाँ पर, यहाँ पर आ जाओ उसके ऊपर, और चढ़ गया भाई, अरे चढ़ा कैसे, तीन माले के ऊपर दो ब्लॉक के ऊपर चढ़ गया कूद के भाई, क्या चल रहा है इसके अंदर, ये तो भाई इतना ग्लिच है ना गेम के अंदर, वो पता नहीं कैसे डाइव मार के चिपका चढ़ के ऊपर आ गया, आर पार हो गया भाई, पर क्या चल रहा है इसके अंदर, ये फालतू चीज़ है भाई एकदम ये। तो भाई जहाँ पर अभी अपना थर्ड फेज खत्म हो चुका है, क्योंकि हम लोग थर्ड राउंड में जाकर हार गए थे, इसके से हम लोग यहाँ पर 503 जेम्स मिले। अगर हम लोग थर्ड राउंड क्वालीफाई करते तो अपने एकदम आराम से 1000 जेम्स यहाँ पर आराम से मिलते अपने को, लेकिन यहाँ पर हम लोग थर्ड राउंड जाकर हार गए। और अगर मैं थोड़ा और अच्छा खेल लेता भाई हम लोग और आगे जा सकते थे, लेकिन जो आखिर में ना भाई वो प्लेयर ने डाइव मारा खुद के, उसका प्लेयर भाई दो ब्लॉक आर पार होकर सीधा ऊपर चढ़ गया उसके, पता नहीं कैसे। और है ना भाई पूरा गेम का बाकी, इसको ना स्किल वो सब मत बोला करो कि भाई स्किल मार के ऊपर आ गए, दीवार के आर पर होना भाई स्किल नहीं है कुछ, वो ना गेम का बाकी तुम लोग को पता नहीं रहता कि कौन सी दीवार के आर पर हो सकते, बस तुम लोग अगर लक काम करेगा तो ही तुम लोग आर पर हो पाएंगे। मैं कितनी बार ट्राई करा भाई मेरा प्लेयर हो नहीं पाता आर पर ऐसी, और ये लोग भाई ये लोग एक बार में ऐसा कूद के आते तो सीधा भाई इसको एकदम ऊपर ही चढ़ा जाए उसको सीधा कूदा के, पता नहीं कैसे होता है इसके अंदर। मेरे बहुत हो चुका मतलब मेरे सामने सामने कि मतलब एक प्लेयर गया कूद के दीवार तोड़ने के लिए, उसके प्लेयर को आर पार ही करा दिया भाई टाइल के, भाई चलो जाओ आर पार हो जाओ तुम सीधा करके आर पार ही भेज देता हूँ लोगों से, मैं हार भी जाओगे कितनी बार। तो यहाँ पर हमारा टूर्नामेंट यहाँ पर खत्म हो चुका, तो भाई जैसे इतने अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं आपको मेरी एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय।